हेलो स्टूडेंट्स, समुच्चय संक्रियाएं पर जो भी महत्वपूर्ण प्रमेय थी वो हमने पढ़ा दी हैं। अब इसके बाद इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, केवल हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले हम यूनियन पढ़ाए थे, सम्मिलन पढ़ाए थे, तो उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन लिखा, ए बराबर एक समुच्चय दिया गया, बी बराबर एक समुच्चय दिया गया, तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। पहला सारणीयन विधि में लिखा हुआ है और दूसरा नियम रूप में लिखा हुआ है, दोनों में ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, देखिए ए बराबर लिखा हुआ है ए बी सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, और बी के समुच्चय में कौन कौन से अवयव लिखे गए हैं, सी कॉमा ई कॉमा जी कॉमा एच, ये लिखे हुए हैं। अब देखिए ए यूनियन बी हम निकालेंगे, ए यूनियन बी तो कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी के अवयवों को मिलाकर जो अवयव बनते हैं उनसे बना समुच्चय क्या कहलाता है, ए यूनियन बी की, ए और बी के सभी अवयव हम मिला देते हैं। देखिए पहले हम ए के अवयव सारे लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये हो गए। अब जैसे सी था ई था, जो सी है ई है, तो सी और ई समुच्चय ए में भी उपस्थित है और उसको हमने लिख लिया। अब समुच्चय में कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखा जाएगा, तो सी और ई आ चुके हैं इसलिए इनको हम यहीं छोड़ देते हैं। ये जी और यहाँ क्या लिख देते हैं एच, इसको यदि हम वैन डायग्राम में समझें तो ये इस प्रकार से बनेगा। देखिए इधर बना देते हैं, ये ए है, ये है हमारा बी, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, दोनों समुच्चय हैं। यहाँ पर जो ये भाग है, ये दोनों में जो अवयव हैं पहले वो लिख लेते हैं। दोनों में देखिए सी है ई है, जो सी और ई है वो दोनों में उपस्थित है, तो इसके इस भाग में लिख देते हैं। जैसे ये भाग जो है वो ए का भी है और बी का भी है, ये इतना भाग, इसलिए सी और ई दोनों में उपस्थित, तो जो दोनों में उपस्थित वो यहाँ लिखे जाएंगे। अब जो बचे अवयव वो लिख दीजिए, ए बी सी हो चुका, डी ई हो चुका है, एफ ये हो गए, और इधर हो जाएंगे जी और एच, कहीं भी लिख दीजिए। तो जब इनका हम संघ समुच्चय निकालेंगे ए यूनियन बी, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आ जाएगा हमारा संघ समुच्चय, और इसे हम वैन आरेख समष्टि समुच्चय के अंतर्गत कर देंगे। ये जो हमने बनाया है ये है हमारा समष्टि समुच्चय यू। इस तरह से इसका वैन डायग्राम बनेगा। छायांकित भाग यदि हम करते हैं तो ये छायांकित भाग हो जाएगा, ये जो भाग होगा हमारा ये भाग, जितना हमने छायांकित किया वो ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद एक चीज का ध्यान रखेंगे, यदि समुच्चय दिया गया है और दिया गया तो कोई भी अवयव उसमें दो बार नहीं लिखा जाएगा, केवल एक ही बार अवयव लिखेंगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वैन डायग्राम इसका बना लेंगे। देखिए ए लिखा हुआ है, क्या दिया गया है, ए एक्स इस प्रकार है, अर्थात एक्स ए का अवयव है, और एक्स की क्वालिटी क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जिनको हम गणना करने में प्रयुक्त तो करते हैं वे प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एक्स एक प्राकृत संख्या और तीन का गुणज है, तीन का गुणज भी है प्राकृत संख्या भी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए बराबर हो जाएगा तीन छ नौ बारह, जितने भी तीन के गुणज हैं वो सब हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं बहुत सारी होती हैं। और b बराबर क्या हो जाएगा, संख्या छः से कम एक प्राकृत संख्या है, x जो है वो b में उपस्थित है, तो x क्या, संख्या छः से कम एक प्राकृत संख्या, तो ये हो जाएगा एक दो तीन चार और पाँच, छः नहीं होगा क्योंकि इसमें पहले कह दिया कि छः से कम एक प्राकृत संख्या। तो ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे तो ए बी के अवयवों को मिलाते हुए लिखेंगे, और एक दो तीन चार पाँच, और देखो तीन इसमें भी था, तो हम दो बार अब नहीं लिखेंगे तीन को, तो ये छः हो जाएगा, नौ हो जाएगा, बारह हो जाएगा, इसी तरह से डॉट डॉट ये हम आगे बढ़ा देंगे। इसको नियम विधि में लिखना चाहें तो ए यूनियन बी, तो लिखेंगे एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, और
एक्स एक प्राकृत संख्या तीन का गुणज है और ये तीन का गुणज है, या बीच में या लगाएंगे या दूसरे जैसे कथन में दूसरे में जाएंगे छह से कम है तो लिखेंगे छह से कम है, ये लिख देंगे। अब इसको हम मिलाएंगे कैसे, जैसे यहां पर x एक प्राकृतिक संख्या है, लिख दिया हमने प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या तो ये हो गई, अब बचा संख्या छह से कम है, छह से कम तो या से हमने जोड़ दिया, तो जब कभी यूनियन लगता है तो उसमें या तो छह से कम है या तीन का गुणज है और है क्या वो प्राकृत संख्या, इस तरह से हम यूनियन को लिखते हैं। देखिए अभी हमने सम्मिलन पर यूनियन पर आधारित एक क्वेश्चन पढ़ा था, अब हम समुच्चयों में ए इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ पर आधारित एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर सभी में जो दो पार्ट इसके दिए गए हैं उसमें ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो पहले में लिखा हुआ है ए, क्या है इसके अवयव, ए ई आई ओ यू, ये इसके अवयव हैं। समुच्चय बी में अवयव कौन कौन से हैं, ए बी सी, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए समुच्चय ए में और बी में जो अवयव उभयनिष्ठ है, कौन है ऐसा जो दोनों में उपस्थित है, ए इसमें भी है ए इसमें भी, तो यहाँ हम ए को लिख लेंगे, ई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, आई ओ यू ये तीनों समुच्चय ए के अवयव हैं परंतु बी के नहीं, इसलिए इनको नहीं, केवल वो अवयव लिखा जाएगा जो दोनों में उपस्थित होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये एक एकल समुच्चय भी कह सकते हैं इसको। दूसरे नंबर पर हम इसको नियम रूप में लिखा तो कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, सॉरी x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या और x का मान एक से बड़ा है, छह से छोटा और बराबर, यहां छह से छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो a के अवयव क्या हो जाएंगे, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक से बड़ी हैं परंतु छह से छोटी या उसके बराबर है, तो एक से बड़ी संख्याएं दो होगी, तीन प्राकृतिक संख्या होगी, चार होगी, पांच होगी, छह भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि x का मान छह से छोटा या उसके बराबर नीचे लगा हुआ, अगर ये बराबर ना लगा होता तो ये छह यहां ना होता। इसके बाद में b की बात करते हैं, b तो यहां पर b क्या होगा, x इस प्रकार है कि x प्राकृतिक संख्या और x का मान छह से दस के बीच में, छह से बड़ा दस से छोटा है, तो छह से बड़ी प्राकृतिक संख्या सात होगी, आठ होगी, नौ, क्या दस हो सकता है, नहीं, क्योंकि x का मान दस से छोटा है, बराबर नहीं है दोनों के, लेकिन इससे छह से बड़ा है और दस से छोटा, तो केवल तीन हो जाएंगी। अब यहां पर देखिए a इंटरसेक्शन b, क्या कोई अवयव ऐसा है जो दोनों में उपस्थित हो, भाई दो इसमें है इसमें नहीं, तीन चार पांच छह इसमें है ही नहीं, यहां पर सात आठ नौ है, तो कोई भी अवयव ए का बी में नहीं, ना तो बी का ए में, कोई उभयनिष्ठ नहीं, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे या इसको हम लिखेंगे फाई। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया, फाई, ये कह सकते हैं कि ए और बी असंयुक्त समुच्चय हैं, ये विसंगित समुच्चय हैं, कब, जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई आता है, तो यहां पर ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं, इस तरह से हम इंटरसेक्शन ज्ञात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन में हमने यूनियन निकालना पढ़ा था, ज्ञात करना पढ़ा था, दूसरे क्वेश्चन में हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था, अब यहाँ पर देखिए यूनियन इंटरसेक्शन सब आ गया, तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक समुच्चयों का संघ समुच्चय और सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना हो या एक साथ मिक्स कर दे, यहाँ पर यूनियन भी है इंटरसेक्शन, तो कैसे हम ज्ञात करते हैं, ए बी सी दिया गया, यदि नियम रूप में लिखे हुए समुच्चय होंगे, समुच्चय निर्माण विधि में लिखे हुए, तो सबसे पहले उनको सारणी विधि में रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जो पहला है उसमें हमें सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल सेट टू ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी, ये। तो यहां पर सबसे पहले हम LHS को ज्ञात करते हैं कि ये समुच्चय आएगा क्या, फिर RHS को ज्ञात करते हैं कि ये क्या आएगा। तो यहां पर इसको ज्ञात करने से पहले जो कोष्ठक के अंदर लिखा सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं, जो भी कोष्ठक के अंदर लिखा, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो जो कोष्ठक के अंदर लिखा पहले उसको निकालते हैं। तो A इंटरसेक्शन B लिखा हुआ है, तो A इंटरसेक्शन B लिखा हुआ, तो A इंटरसेक्शन B होगा क्या? देखिए A यहां लिखा हुआ है, यहां नहीं लिखा हमने, B यहां लिखा हुआ है। तो A इंटरसेक्शन B, A B में कॉमन क्या, जीरो इसमें है क्या, जीरो B में है, नहीं है, इसलिए ये हट जाएगा। एक A का अवयव है तो एक B में भी उपस्थित है, तो इसमें एक ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीन इसमें है, इसमें तीन नहीं, पांच इसमें है, इसमें कहीं भी पांच नहीं, जो चार साथ हैं वो इन दोनों में नहीं, तो केवल और केवल A इंटरसेक्शन B में एक ही अवयव उपस्थित होगा, एक। अब इसके बाद RHS में जो ब्रैकेट में लिखा उसको ज्ञात कर लेते हैं, B इंटरसेक्शन C, भाई B इंटरसेक्शन C निकालते हैं, B और C में कौन से अवयव कॉमन है, तो देखिए B में एक है, एक C में भी है, तो यहां पर जो अंक होगा एक वो उभयनिष्ठ माना जाएगा, दो B में है, दो C में भी है, तो दो भी लिख देते हैं। इसके बाद तीन देखिए इसमें नहीं है, पांच आठ इसमें नहीं है, और ना तो चार सात कहीं इसमें है, तो इसलिए ये हो जाएगा B इंटरसेक्शन C। हमने जो ब्रैकेट में दिया गया था दोनों पक्षों में, सबसे पहले ब्रैकेट में जो लिखा है वो निकाल लीजिए, उसमें कोई पक्ष हो या ना हो, एक ये है, इसमें ब्रैकेट में लिखा जो है कोष्ठक के अंदर जो लिखा है समुच्चय उसको अलग निकाल लिए, कोष्ठक के अंदर जो लिखा निकाल लिए। अब इसके बाद जो कोष्ठक के बाहर लिखा है उसमें हम कॉमन लेते हैं, सी में देखिए, अब A इंटरसेक्शन B ये पहला समुच्चय है और C ये दूसरा समुच्चय है, तो इससे इसको मैच कीजिए, देखिए कौन कौन से अवयव कॉमन मिल रहे हैं। तो यहां पर A इंटरसेक्शन B में केवल एक ही अवयव है, एक, और यहां C जो है उसमें एक उपस्थित है, तो इसलिए इन दोनों में जो एक होगा वो कॉमन हमें मिल जाएगा, ये आ गया। इसी तरह से RHS में देखिए, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यहां कोष्ठक के अंदर जो लिखा वो दूसरा सेट है, सेकंड सेट, दूसरा समुच्चय ये पहला समुच्चय है, तो B इंटरसेक्शन C में दो अवयव है, एक और दो, और यहां पर दो उपस्थित ही नहीं है तो वो कॉमन माना ही नहीं जाएगा, एक है, तो ये एक यहां पर लिख लेते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं जो दोनों समुच्चय हमने निकाले, ये LHS में लिखा था, ये RHS में लिखा था, दोनों देखते हैं, दोनों समुच्चय समान समुच्चय होंगे कब, जब अवयव भी समान उनकी संख्या भी समान, तो इन दोनों में अवयवों की संख्या एक है और अवयव भी एक एक ही है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, समान, अवयव भी समान है और उनकी संख्या भी समान है, तो ये हो जाएगा हमारा A इंटरसेक्शन B। ये हमने पहला भाग इसका सिद्ध कर लिया इस तरह से। इसके बाद दूसरा भाग कैसे सिद्ध करते हैं, दूसरा बताया वही क्या करना, जो ब्रैकेट में पहले लिखा है उसे ज्ञात करना है, ये हमें सिद्ध करना है, इसको मैं एक बार लिख लेते हैं। जो ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है, कोष्ठक के अंदर क्या लिखा है ये देखते हैं। कोष्ठक के अंदर लिखा A यूनियन B, यहां B यूनियन C, तो पहले हम A यूनियन B ज्ञात करते हैं। A यूनियन B ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए A और B के अवयव मिला देंगे तो जीरो हो जाएगा, एक होगा, दो यहां पर है, इसके बाद तीन ये देखो आ गया, चार यहां पर है, पांच हो जाएगा A में उपस्थित है, और ये अंत में सात आ जाएगा, ये हमारा होगा A यूनियन B। इसके बाद ज्ञात करेंगे A यूनियन B, कोष्ठक के अंदर जो लिखा था वो होगा यूनियन C। अब ये पहला समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय, दोनों का संग समुच्चय लेंगे A यूनियन B, तो पहले A यूनियन B के सारे अवयव लिख लेते हैं, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच और सात, छह, ना तो A में है ना B में। अब यहां पर देखिए, एक लिख लिया हमने, C के साथ जब संघ लेंगे तो इसके भी तो अवयव मिलाएंगे इसमें, तो एक लिख लिया, दो भी आ गया, तीन भी आ गया, पांच भी आ गया, आठ, आठ बचा, आठ हमने नहीं लिखा था,
तो वो हमने लिख दिया। कोई भी है वो दो बार नहीं लिखेंगे, इसीलिए हमने एक दो तीन पाँच को छोड़ दिया। ये हमने एल एच एस ज्ञात कर लिया। अब आर एच एस ज्ञात करेंगे तो ब्रैकेट में जो कोष्ठक में लिखा पहले वो ज्ञात करेंगे, बी यूनियन सी। तो बी और सी के अवयवों को मिलाकर जो समुच्चय बनेगा वो बी यूनियन सी होगा। तो आएगा एक दो तीन चार पाँच सात और आठ, ये हो जाएगा। देखिए एक दो तीन यहाँ पर है, चार ये है, पाँच ये है, सात ये, आठ हो, ये हो गया। अब इसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी लिख देंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे लिखेंगे, ये पहला समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय, दोनों का संघ लिखना अर्थात दोनों के अवयव मिला दीजिए। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम ए के अवयव लिख लेते हैं। ए के अवयव कौन है, जीरो लिखा, एक लिखा, फिर इसके बाद दो यहाँ पर है, तीन इसमें है, पाँच तो पाँच से पहले चार है, पाँच फिर सात और आठ, ये हमने मिला तो लिख ले। देखिए इसमें एक तीन पाँच, एक तीन पाँच लिखे हैं तीनों, तो इसलिए उनको हम एक ही बार लिखे हैं, बस जीरो नहीं था उसको भी ले लिया हमने। तो यहाँ पर इनको मिला, ये ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये देखिए दोनों जीरो जीरो, एक दो तीन चार पाँच सात और आठ, अवयव समान है और उनकी संख्या भी समान है, तो इसलिए ये दोनों समुच्चय जो होंगे वो समान समुच्चय कहे जाएंगे। ये पहले भाग में इंटरसेक्शन का सर्वनिष्ठ का क्रम विनिमेय नियम हमें प्रूफ करना था, और दूसरे भाग में हमें सहचर्य नियम, सॉरी ये सहचर्य नियम है, सहचर नियम है इसका इंटरसेक्शन का, और ये है यूनियन का सहचर नियम एसोसिएटिव लॉ। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया गया होगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर सारे समुच्चय लिखे होंगे और फिर कहेगा कि इसके बराबर ये सिद्ध करो, तभी ये विधि उपयोग करेंगे। अगर ये नहीं दिया होता तो हम तर्क विधि द्वारा सिद्ध करते, जैसे हमने प्रमेय इसकी सिद्ध करवाई थी। देखिए अब हम इसका तीसरा खंड लगाते हैं। यहाँ पर क्या सिद्ध करना है वो पहले हम लिख लेते हैं। ए यूनियन बी एक कोष्ठक में है, यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल सेट टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने पढ़ाया है। और ये है क्या, वितरण नियम है, और किसका किस पर वितरण नियम है, इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण नियम। हमने पढ़ाया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें सी को ए के स्थान पर कर दो, ए को सी के, वहीं आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो कोष्ठक के अंदर लिखा वो हम ज्ञात कर लेते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं, ए और बी के अवयव मिला देते हैं, तो ये आ जाएगा जीरो एक दो तीन चार पाँच और सात, जीरो एक ये, दो ये, तीन चार पाँच और सात, ही लिख लिया। जब कोष्ठक के अंदर जो लिखा वो ज्ञात हो जाए तो हम बाहर वाला भी ले लेते हैं, इंटरसेक्शन सी। अब ये पहला समुच्चय या दूसरा समुच्चय, दोनों के बीच इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी और सी का सर्वनिष्ठ, ए यूनियन बी और सी का हमें प्रतिच्छेद समुच्चय निकालना, सर्वनिष्ठ निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन वो लिखेंगे। जीरो ए यूनियन बी में है परंतु सी में नहीं, जीरो नहीं कॉमन होगा। इसके बाद एक दोनों में उपस्थित है, दो भी दोनों में उपस्थित है, तीन भी दोनों में उपस्थित है, पाँच भी दोनों में उपस्थित। देखिए एक दो तीन पाँच, एक दो तीन पाँच दोनों में हैं, और आठ इसमें है, तो ये ए यूनियन बी में नहीं, और इसमें जो सात है वो सी में नहीं, ये इसका हमने एक पक्ष ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम दूसरा पक्ष ज्ञात करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, जो कोष्ठक के अंदर लिखा वो निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन सी तो ए और सी का सर्वनिष्ठ निकालते हैं, प्रतिच्छेद निकालते हैं, इंटरसेक्शन, तो ये एक एक दोनों में है। अब सी में दो है, इसमें दो नहीं, तीन दोनों में है, और पांच भी दोनों में है। देखिए पांच भी ए और सी दोनों में, जो कॉमन है वो लिख लिया। इसके बाद में दूसरे कोष्ठक में क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी, इसको ज्ञात करते हैं। बी और सी का, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, जो इन दोनों में कॉमन है, तो इसमें एक कॉमन है दोनों में। देखिए दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो कॉमन है,
अब इसके बाद चार की बात आती है, चार इसमें बी में है, सी में नहीं, इसको छोड़ देंगे, सात इसमें नहीं, तो ये एक और दो आएंगे केवल। और जब इन्हीं दोनों का ये हमने निकाल दिया है LHS, तो RHS ज्ञात करेंगे, तो A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C लिखेंगे, दोनों के अवयवों का संघ समुच्चय बनाएंगे, दोनों के अवयवों को मिलाकर लिखेंगे, दोनों समुच्चयों का संघ समुच्चय बनाएंगे, तो एक दो तीन और पांच अवयव मिलाकर हमने लिख दिए। अब मिलाइए, जो यहां पर समुच्चय लिखा था उसके अवयव, जो यहां पर समुच्चय लिखा उसके अवयव समान है और अवयव की संख्या भी समान है, तो इसलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा। इसी तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी इसी प्रकार से लगेगा। फोर्थ, अब हम जो सिद्ध करना वो नहीं लिखते हैं, जो लिखा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट में निकालते हैं जो लिखा, ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है, एक दोनों में उपस्थित है। अब इसके बाद दो जो है वो यहां पर सी में है, ए में नहीं, तीन देखते हैं, तीन भी दोनों में उपस्थित है, ए में भी सी में भी, पांच भी दोनों में उपस्थित है, ये निकल गया। अब इसके बाद LHS निकालने के लिए हमें केवल B के अवयवों के साथ इसका यूनियन लेना है, तो A इंटरसेक्शन C के अवयव ये तीन हैं और B के अवयव ये चार हैं, मिलाकर लिख दीजिए तो सात बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक एक दोनों में उपस्थित, जो दोनों में उपस्थित हो केवल एक बार लिखा जाएगा। दो लिख दिए हम, तीन लिख दिए, चार लिख दिए, पाँच हो गया और ये सात हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में हम LHS तो ज्ञात कर लिए, RHS ज्ञात करते हैं, तो A यूनियन B लिखते हैं, A यूनियन B, A और B का सम्मिलन संघ, तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो हो जाएगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार हो जाएगा और सात। तो देखिए जीरो एक दोनों में है, एक बार लिख दिया, दो बी में उपस्थित है, फिर तीन है, पांच है, तीन के बाद चार भी है, पांच छूट गया था, तो पांच यहां लिख देते हैं, पांच भी होगा और सात भी होगा, ये आ गया हमारा। तो जीरो एक दो तीन चार पांच सात, ये हो गया ए यूनियन बी। अब हम सी यूनियन बी निकालते हैं, सी यूनियन बी, तो C यूनियन B क्या हो जाएगा, C यूनियन B, तो यहां पर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, सात होगा और आठ होगा। देखिए एक दोनों में है, एक बार लिखा, दो दोनों में है, दो एक बार लिखा, तीन यहां पर है, चार ये देखो, पांच जो है पांच ये है, सात बी में है वो भी लिख लिया, सी में ये भी लिख लिया, जो अवयव दोनों में उभयनिष्ठ है वो केवल एक बार लिखे जाएंगे। अब ए यूनियन बी एक कोष्ठक में, इंटरसेक्शन बीच में लगा, सी यूनियन बी एक कोष्ठक में, अर्थात ये पहला समुच्चय जो ये लिखा हुआ है, ये दूसरा समुच्चय जो ये लिखा, इन दोनों में इंटरसेक्शन बीच में लगा हुआ है, तो इन दोनों का सर्वनिष्ठ लिखेंगे। सर्वनिष्ठ कैसे लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है तो एक हो जाएगा, दोनों में एक है, दो दोनों में है, तीन दोनों में है, चार ये भी है, पांच भी है और सात भी है, ये हो गया, ये हमारा बना। अब इसके एक पक्ष में जो लिखा था वो था ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, तो एक दो तीन चार पांच सात इसके अवयव हैं, यहां वही इसके अवयव, एक दो तीन चार पांच सात, तो इसलिए ये जो होगा वो इसके इक्वल सेट होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इक्वल सेट टू क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन जो हमने बताए ये प्रमेय हैं, ये वितरण नियम था और ये दोनों जो फर्स्ट सेकंड थे वो सहचर नियम थे, सुबह संक्रियाएं अलग अलग थी। जब कभी समुच्चय के क्वेश्चन मिले और इस तरह से दिए हुए हैं, नियम रूप में दिए गए, तो पहले सारणीयन रूप में उनको लिख लीजिए और इसके बाद जो कोष्ठक के अंदर समुच्चय लिखा हुआ है पहले उसको निकालिए। जैसे तीन चार समुच्चय एक साथ जोड़ दे, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी,
तो यहाँ पर जो कोष्ठक में लिखा होगा उसको पहले निकालेंगे और इसके बाद जो कोष्ठक के बाहर होगा उसको भी उसी के साथ ले लिया जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से लगेंगे जितने हमने इसमें पढ़ाए। अब एक क्वेश्चन हम अंतर का देखते हैं। जैसे यहाँ पर x दिया गया है, समुच्चय y दिया गया है, अवयव लिखे हुए इसके x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y, ये हमें ज्ञात करना है। x लिख लिया, y लिख लिया, अब हम लिखेंगे x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कैसे लिखेंगे? a b c d, माइनस माइनस की जगह डिफरेंस इसको पढ़ लेते हैं, माइनस सॉरी माइनस नहीं डिफरेंस पढ़ा जाएगा। ए बी सी डी डिफरेंस, एफ बी डी जी। अब डिफरेंस कैसे निकालते थे? तो एक्स माइनस वाई, तो ए की जगह एक्स, एक्स की जगह ए मान लो, वाई की जगह बी मान लो। तो यहां पर एक्स डिफरेंस वाई ये हमको निकालना है। ए एक्स वाई का अंतर, एक्स अंतर वाई हमें ज्ञात करना है। तो जो इस चिन्ह के बाद में लिखा होता है उसके अवयव यदि इसमें उपस्थित है तो वे अवयव हटा दिए जाते हैं। जैसे देखिए एफ जो है वो इसमें उपस्थित नहीं है पहले में, बी इसमें उपस्थित है, डी इसमें उपस्थित है, जी नहीं। तो इसमें केवल बी और डी जो अवयव थे वाई के वो एक्स में उपस्थित थे, तो इसलिए उनको हटा देंगे। तो एक्स के जो शेष बचेंगे वो एक्स के अवयव लिखे जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई, एक्स डिफरेंस वाई हमने निकाला है, तो वाई के वे अवयव जो एक्स में उपस्थित थे उनको हटा दिया और एक्स के जो शेष अवयव बचे एक्स के वो हमने लिख दिए। ऐसे ही y माइनस वाई डिफरेंस x निकालेंगे तो ये हो जाएगा f b d g, और डिफरेंस का साइन बीच में लगा देंगे a b c। अब देखिए डिफरेंस के साइन के बाद x लिखा हुआ था, और अब x के वे अवयव जो y में वो हटा दिए जाएंगे, y के शेष अवयव लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ पर b और d जो ये अवयव हैं x के वो y में उपस्थित हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? f और g जो पहले लिखा होगा उसके अवयव जो शेष बचेंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे, और जो इस चिन्ह के बाद में लिखा उसके अवयव शेष बचेंगे उससे कोई मतलब नहीं, उनको नहीं लिखेंगे, ए सी नहीं लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो ये है x डिफरेंस y और ये y डिफरेंस x। अब x इंटरसेक्शन y हम ज्ञात कर लेते हैं। x इंटरसेक्शन y, x और y में कॉमन क्या है? तो b भी दोनों में उपस्थित है और d भी दोनों में उपस्थित है। यदि इसका वेन डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर ये है हमारा x, ये x है, ये क्या है y, दोनों में कुछ कॉमन है। तो x इंटरसेक्शन y इस भाग में, तो ये जो होगा भाग हमारा ये x इंटरसेक्शन y को प्रदर्शित करेगा, और जो ये इधर का भाग होगा हमारा वो x माइनस y को प्रदर्शित करेगा। जैसे यहाँ पर a होगा और यहाँ पर c हो जाएगा, और इधर f होगा और इधर g होगा। देखिए ये जो ये भाग है ये इतना, ये x इंटरसेक्शन y को प्रदर्शित करता है, जो इधर x माइनस y a कॉमा c है, तो ये केवल इतना भाग है, इसमें y का कोई भाग नहीं, मतलब केवल x, और y माइनस x f g आया। तो इस तरह से ये इसका है वेन डायग्राम। u दिया होता तो उसके अवयव भी लिख दिए जाते। इसको हम इस आयताकार बॉक्स के अंदर रखें या न रखें, इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन अंतर में होंगे। अगले वीडियो में हम सममित अंतर पर आधारित क्वेश्चंस और उसके थ्योरम्स पढ़ेंगे।